सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। कस्टमर को रिबेट कैसे देते हैं SDMS में आज की वीडियो में यही बताएंगे। मान लीजिए आप गोडाउन से किसी को देते हैं गैस, तो ऐसे रिबेट कैसे दे सकते हैं, किसी भी कस्टमर को आप इजीली रिबेट दे सकते हैं। उसके लिए आपको उससे कंज्यूमर नंबर डालना है, इजी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिलेशनशिप पे आईडी पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको पोजीशन चेंज करना है केवल, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए कैश ऑन कैरी का और होम डिलीवरी का, तो आप कैश ऑन कैरी करेंगे, ठीक है। कैश ऑन कैरी करने के बाद आप जो जब आप जनरेट करेंगे इनवॉइस, तो वो क्या होगा कि रिबेट में ही जनरेट होगा, ठीक है। हमने अभी कैश ऑन कैरी कर दिया, अब यहाँ पे हम बुकिंग जनरेट कर रहे हैं, और कस्टमर भी करेंगे तो बुकिंग जनरेट करेंगे, कैश ऑन कैरी करेंगे तो उसके बाद इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उसको रिबेट मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर विजिट हो जाता है जब आपको देना अनिवार्य होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैश ऑन कैरी का। यहाँ पर देखिए कैश ऑन कैरी सेलेक्ट का ऑप्शन अगर आ जाए तो आप क्रिएट इनवॉइस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उसके प्रिंट आउट देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट आउट का मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, पेज का बिल उसमें देख सकते हैं आप, कैश ऑन कैरी का बिल जनरेट होके आ गया। तो इस तरीके से आप गोडाउन से किसी को रिबेट या गोडाउन से कोई ले जाता है गैस तो आप उसे रिबेट दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं रिबेट कैसे दिया जाता है आप समझ में आ गया होगा, आपको कैश ऑन कैरी के जरिए आप रिबेट दे सकते हैं। इस तरीके से आप रिबेट दे सकते हैं किसी भी कस्टमर को, अगर कस्टमर विजिट है तो आप ज़रूर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। अभी कितने ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।